दोस्तों पपीता कच्चा हो या पका हुआ दोनों ही रूप में सेहत के लिए बेहद ही लाभकारी फल है। पपीते में भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बेहद ही जरूरी है। नियमित रूप से पपीता खाने से त्वचा, पेट, लीवर, किडनी और दिल की समस्याओं से बचाव होता है। जी हाँ, जिस तरह से पपीता और इसके पत्ते गुणकारी है उसी तरह पपीते के बीज भी सेहत का खजाना है। बेसक के स्वाद में थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन ये नॉन टॉक्सिन्स होते हैं और इसका इस्तेमाल करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि पपीते के बीज में एंटी बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो आपको संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचाते हैं और यह शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बार जब भी आप पपीता खाएं तो उसके बीजों को फेंकने की गलती मत करना, बल्कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि दोस्तों लाइक करने के हमें कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं, बस जो हमारा मोटिवेशन है वो बहुत ही अप हो जाता है और हमारा मन करता है कि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों पपीते के बीज में पॉलीफेनोल और फेलोनाइट जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के फ्री रेडिकल को खत्म करके आपको सर्दी, खांसी और कई तरह की सामान्य बीमारियों को दूर करने में सहायक है। पपीते के बीज में नेचुरल रूप से फाइबर होते हैं जो पाचन में सहायक करते हैं और मोटापे को रोकने में मदद करते हैं। फाइबर रक्तचाप को भी नियंत्रित रखता है जो हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ऐसा माना जाता है कि पपीते के बीज में प्रोट्यूलेटिक एंजाइम्स होते हैं जो आंतों में रहने वाले परजीव और बैक्टीरिया को मारते हैं, जिसे पेट और आंत स्वस्थ रहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि पीडियर्स के दौरान पपीते के बीज का सेवन मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द को कम करने में मददगार होता है। साथ ही पपीते के बीज में हेल्दी मोनो अनसेचुरेट फैटी एसिड पाए जाते हैं जो खासकर इसमें ऑलिक एसिड होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। पपीते के बीज लीवर के लिए बेहतरीन होते हैं, ये लीवर सिरोसिस में काफ़ी फायदेमंद होते हैं। आप चाहे तो इसे नींबू के रस में भी ले सकते हैं। सुबह खाली पेट इनके बीजों का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। यदि आप प्रतिदिन पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो आपको वायरल बुखार होने की आशंका कम हो जाती है, क्योंकि पपीते के बीज एंटीवायरल एजेंट की तरह काम करते हैं। साथ ही ये संक्रामक बीमारियों के लिए भी कारगर उपाय है। कैंसर के बचाव में भी पपीते के बीजों का सेवन फायदेमंद रहता है। साथ ही पपीते के बीज खाने से किडनी की समस्या को रोकने में मदद मिलती है। इसे किडनी स्टोन और किडनी को ठीक से क्रियावन करने में पपीते के बीज का सेवन बहुत ही गुणकारी माना जाता है। दोस्तों पपीते के बीजों के कड़वे स्वाद के कारण इसे साबुत खाना आसान नहीं है, इसलिए आप पपीते के बीजों को छाया में सुखाकर पीस लें और इसके पाउडर को मीठी चीज के साथ मिलाकर खाएं। अगर गुड़ के साथ खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान रहे कि किसी भी चीज का कम मात्रा में इस्तेमाल फायदेमंद होता है, अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।